Dear students, in continuation with the series of trigonometric questions, we have another question, which is if cos alpha is equal to 4 upon 5, prove that tan alpha upon 1 plus tan square alpha is equal to sin alpha upon cos alpha. अब यहाँ पर हम देखें तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, बट यहाँ पे cos alpha को डिटरमाइन करने के लिए दिया हुआ है, तो हम इसको यदि हम देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को अल्फा लेते हैं, तो ये इसके सामने वाली साइड जो हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस अल्फा जो है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस यहाँ पे बी सी है और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है। तो यहाँ देखें तो हमारे पास में वैल्यू है 4 अपॉन 5, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4 और इसकी वैल्यू 5 दी हुई। अब परपेंडिकुलर निकालना है तो वी कैन हैव परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर ये क्लियर है दैट यू हैव टू डिटरमाइन मींस AB स्क्वायर, B मींस 4 स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 25 माइनस 16 व्हिच इज इक्वल टू 9। AB इज इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट 9 मींस AB इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। अब जब परपेंडिकुलर आ गया तो अब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ टेन अल्फा दे देंगे, तो हम क्या करते हैं कि वी आर टेकिंग हियर, इसको ले लेते हैं टेकिंग RHS। तो taking RHS we have this sin alpha upon cos alpha, sin alpha के लिए होगा आपके पास में, इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। sin alpha क्या होगा आपका perpendicular upon hypotenuse, perpendicular हो गया आपका 3, hypotenuse आपका 5 है। वैसे हम tan alpha को भी determine कर लेते हैं, तो tan alpha जो होगा perpendicular upon base, perpendicular आपका 3 आया है और base आपका 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा है आपका 3 अपॉन 5 और कॉस अल्फा ऑलरेडी गिवन है 4 अपॉन 5, तो ये 5 टू 5 कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया 3/4, ये राइट हैंड साइड आपकी 3/4 आ गई। अब हम देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो वी आर टेकिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग NHS। LHS में देखें तो हमारे पास में tan alpha है upon 1 plus tan square alpha है। tan alpha हमने determine किया 3 upon 4 और tan square alpha means 3/4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया आपका 3/4 और denominator हो जाएगा 1 upon 9 upon 16, 3 का square 9 and this। तो ये हो गया आपका 3/4 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लें 3 अपॉन 4 16 इन प्लस 9 दैट इज 25 और ये 16 आपका इधर आ गया, तो ये हो गया 4 4 16, तो ये आ गया आपका 12/25। ओके, तो टेन अल्फा जो है आपका ये आ रहा है, देखते हैं सर चेक करते हैं। अब यहां पर देखें हम कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 12/25 आ रहा है और राइट हैंड साइड में देखें 3/4 आ रहा है, मींस बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से इट इज नॉट, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार बनते हैं, दैट वी कैन डू। अब बेसिकली यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे यदि इसकी जगह पे यदि सेक अल्फा होता
तो इट बिकम्स वेरी इजी। अब देखें यहाँ पे हम यदि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा की जगह हम सेक अल्फा ले ले तो क्या रिजल्ट आता है? तो साइन अल्फा तो आपका ये वैल्यू दी हुई आपके पास है 3/5, सेक अल्फा मींस कॉस अल्फा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, तो 4 × 3 = 12 / 25। अब यहाँ पर यदि इफ कॉस अल्फा की जगह हम सेक अल्फा होता तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है, बट यहाँ पे क्या है मेरे पास में साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा व्हिच इज नॉट इक्वल, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस वे वी कैन डू द क्वेश्चंस, समटाइम्स इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको उनको इस तरीके से करना है और ये चेक कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। इफ इट इज देन यू कैन put left hand side is equal to right hand side and hence prove, otherwise you can write left hand side is not equal to right hand side.